Students, again I am here with some difficult words meaning votive inscription की हम बात कर रहे थे. Votive inscriptions record gifts made to religious institutions. तो religious institutions को जो gift दिया जाता है उसको हम और उसका जो inscription है उसको votive inscription कहते हैं. जैसे मंदिर विहार को जो दान दिया जाता है और उसके बारे में जो inscription लिखा जाता है that is votive inscription. एक ये बहुत वर्ड आता है पेरिप्लस और एरिथ्रियन. एरिथ्रियन सी कौन से सी को कहते हैं? बस ये रेड सी को कहते हैं. यहाँ देखिए आप बिल्कुल क्लियर है. एरिथ्रियन वाज द ग्रीक नेम. एरिथ्रियन ग्रीक भाषा का यूनानी भाषा का शब्द है और रेड सी को कहा जाता है. और पेरिप्लस होता है ये भी ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलिंग अराउंड, किसी क्षेत्र के चारों तरफ चक्कर लगाना. और यहाँ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन का मतलब होता है रेड सी के चक्कर लगाकर जो जहाज़ें आती थी व्यापार करने के लिए, ये यात्राओं के वर्णन में मिलता है. सो पेरिप्लस का मतलब होता है सेलिंग अराउंड और एरिथ्रियन का मतलब होता है रेड सी. ये दोनों ही ग्रीक भाषा के वर्ड है. बच्चों अब है न्यूमिसमेटिक्स. न्यूमिसमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द कॉइन्स इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स सच एज स्क्रिप्ट्स, इमेजेस, मेटलर्जिकल एनालिसिस एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच दे हैव बीन फाउंड. तो न्यूमिसमेटिक्स में हम कॉइन्स की इमेज, स्क्रिप्ट्स, मेटलर्जिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कौन सी मेटल का बना हुआ है और किस कॉन्टेक्स्ट में उसको हमने पाया है. ये फिर हमारे पंचमार्क कॉइन्स हैं. ये पहले हैं गोल्ड और गोल्ड कॉइन से पहले चले थे. ये हमारे कॉपर और सिल्वर के हैं. फिर ये हमारे योधे राजाओं के जो कॉइन हैं ये कॉपर के हैं. और इसी तरह से हम देखेंगे गुप्त वंश के जो कॉइन्स हैं ये भी गोल्ड के हैं, ये प्योर हैं. और इसी तरह से कुशाणाज के जो कॉइन्स हैं वो भी गोल्ड के हैं. फिर बच्चों हम देखते हैं स्क्रिप्ट की हम बात करते हैं. ब्राह्मी और क्रोस्टी अशोक की स्क्रिप्ट हैं. आपको मैंने पहले बताया कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर किया गया, क्रोस्टी को डेसिफर किया गया. जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनको डेसिफर किया गया था. जेम्स प्रिंसेप 838 डेसिफरमेंट ऑफ द अशोकन ब्राह्मी. ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया था. तो ब्राह्मी अशोका के जो ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं. बच्चों अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृतिक भाषा के इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं. और जो अरेमाइक और ग्रीक जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो क्रोस्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं. और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं मानसेरा शाहबाद जैसे नॉर्थ वेस्ट जो हमारे इंडिया का हिस्सा है जो पाकिस्तान की तरफ है वहाँ के जो अभिलेख हैं वो क्रोस्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं. तो ये है बच्चों थोड़ा जानकारी आपके लिए. अशोका के लिए दो टाइटल मिलते हैं उसके इंस्क्रिप्शन. एक तो देव नाम प्रिय, इसका मतलब होता है बिलोवेड टू द गॉड्स, जो देवताओं को प्रिय हो देव नाम प्रिय अशोक को कहा गया है. उसके इंस्क्रिप्शन में उसके लिए टाइटल्स है देव नाम प्रिय, बिलोवेड ऑफ द गॉड्स. और एक है पियदर्शी, ये दूसरा है उसका टाइटल है प्लीजेंट टू बिहोल्ड. पियदर्शी प्रियदर्शी यानी प्रिय जो देखने में लगे, प्लीजेंट टू बिहोल्ड. देव नाम प्रिय बिलोवेड टू द गॉड्स, जो देवताओं को प्रिय हो. अशोक ऐसे महान राजा थे. सो स्टूडेंट्स इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशन मैंने आपको बता दी कि इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनको स्पष्ट फेंटली एनग्रेव्ड किया गया है. रिकंस्ट्रक्शन उसके आधार पर इतिहास को करना अनसर्टेन होता है. डैमेज्ड हो गए हैं, उनमें लेटर मिसिंग है. तो ये इंस्क्रिप्शंस हैं. इंस्क्रिप्शंस को जिसने लिखा है उन्होंने अपने व्यू से लिखा है, ये उनकी एक और प्रॉब्लम है. उनसे हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है. सो इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेज हैं आम व्यक्ति के सुख दुख हैं इसके बारे में इंस्क्रिप्शंस कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं. ये राजा महाराजाओं के एंगल से ज़्यादा लिखे जाते हैं. तो दीज आर द लिमिटेशंस. एंड एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर की प्लेट पर भी लिखा जाता है. ये कर्नाटक से मिला है 6th century का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. तो इंस्क्रिप्शंस मेटल पर भी लिखे जाते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. सो डियर स्टूडेंट्स we have discussed so far this lesson and next time we will come on kinship caste or class. early society वो ही टाइम लाइन है हमारा 600 BC से लेकर के 600 CE के दौरान. अभी हमने देखा किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स कैसे डेवलप हुए.
अब हम देखेंगे राजशाही कैसे डेवलप हुई, कास्ट और क्लास की व्यवस्था कैसे डेवलप हुई इसी समय में 600 BC से लेकर 600 CE के दौरान।